बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 30 अगस्त 2014 बाद हूँ, मार्केट -9 पॉइंट प्लस, और आज भी फरमाइशी प्रोग्राम आ रहा है आपका फरमाइशी प्रोग्राम सारा कॉपे। तो ये गेमर्स लाइफ ने कहा है कि जी DFML हमें करके दें। DFML इज़ दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड, ये डिफॉल्टर काउंटर पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या करें। चलें इसके बारे में बता देते हैं। 4.81 रुपीज़ पे है और इसका डिफ़ॉल्ट का जो वजह है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बहरहाल ये अभी इतनी जल्दी निकलेगा नहीं, और इसमें अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये और हैस्कॉल साइड बाय साइड चल रहे हैं। हैस्कॉल की तो सही होने की उम्मीद नहीं है, इसकी शायद उम्मीद की किरण है ये बेहतर हो जाए। मगर इसका एक जो चीज़ नोट कर लें कि 52 वीक की रेंज है, 3.56 है और 12 इसका हाइस्ट जाता है। और इसने जो लास्ट कुछ कोई दिया है ना, वो कुछ भी नहीं दिया इसने। पे आउट दिया है इसने 10% डिविडेंड दिया था, वो भी जब आप जवान थे, गालिब जवान था 2006 में। उसके बाद इसने कुछ भी नहीं दिया। तो गेमर्स लाइफ मुझे आप प्लीज़, आपने बताया नहीं आपको कितने शेयर्स हैं, कितने फंसे हुए हैं और क्या है। तो ये DFML को ज़रा पकड़ के बैठ जाए, कुछ दिन में शायद कोई अगर ऑटो पॉलिसी बेहतर हो जाती है, इंडिजिनाइजेशन आ जाती है और गवर्नमेंट बैन कर देती कि बाहर से गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तो शायद ये DFML बेहतर हो जाए। दीवान फारूक का ग्रुप जितना भी है, इसके सीमेंट वीमेंट ये बना सब खसारे में है, ये भी खसारे में है, बैडली मैनेज कंपनी है। अब क्या करें, आप लोग घुस जाते हैं, आप ना पूछते हैं ना आप हमारे जैसे बंदों से कंसल्ट करते हैं। प्लीज़ ऐसे शेयर मत खरीदें जो कि कंपनी स्ट्रॉन्ग ना, हमेशा कंपनी को देखा करें, बैकग्राउंड देखा करें, ग्रुप को देखा करें। तो आई होप आप आराम से निकल आएंगे, मेरी सिम्पथीज आपके साथ है। आपको हमारी गेमर्स लाइफ आज की वीडियो कैसी लगी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वस्सलात वस्सलाम खातमुन नबीन। पाकिस्तानी बन के जियो, पाकिस्तानी पियो मरी स्पार्कलेट्स।